नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस शाल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। ये क्या है, किसने लॉन्च किया और ये कैसे काम करता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 5th of June, उस दिन आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म लिक्विड वेस्ट, एयर पोल्यूटेंट, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट को उसके कलेक्शन से लेकर उसके डिस्पोजल तक एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मॉनिटर करेगा। और इसका मेन एम है वेस्ट को एक साइंटिफिक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सेंटर पर डिस्पोज करना। APMC हैंडल करेगा इसकी पूरी जनरेशन, कब ये जनरेट हुआ टिल इसकी एंड लाइफ साइकिल, विद कोऑर्डिनेशन APPCB आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके ये काम करेंगे। और जो वेबसाइट बनाई गई है ये अभी एक 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, जो फर्दर बाद में 3 महीने के बाद इसके अंदर और भी फीचर्स को ऐड कर दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म ट्रैक करेगा, ऑडिट करेगा और एनकरेज करेगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। यूजुअली हम लोगों ने जो देखा है वो 3 R's का हम लोग यूज़ करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बट यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं हमारे 6 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रिडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेस्ट आइटम। ये डिसीजन है ये इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो इवेंचुअली मतलब अंत में वो या तो किसी लैंडफिल पर दिखता है या तो किसी रिवर कैनाल या सी के अंदर मिलता है। तो ये सब चीज़ें ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पोल्यूट करते हैं हमारी लैंडफाइल्स को, लैंडफाइल जिसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है अगर उसके अंदर उसके ऊपर टॉक्सिक हम मटेरियल डालें। तो सेम विद हमारे वाटर सिस्टम के साथ बोल सकते हैं कि अगर हमारे पानी के अंदर, सी के अंदर अगर हम वेस्ट डालते हैं, टॉक्सिक वेस्ट डालते हैं, तो वो वाटर है वो ख़राब हो जाता है, नॉट इवन हमारे लिए बल्कि जो मरीन लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, एक सिविक बॉडी होती है एक दिन के अंदर 5,000 टन के आसपास है वो वेस्ट क्रिएट करती है, जिसमें से हाफ वेस्ट होता है उसको तो रीयूज हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस वो हाफ वेस्ट होता है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक हमारा सेल हो गया, मतलब कोकोनट सेल हो गया या गार्डन वेस्ट हो गया, उसका रीयूज करके हम चारकोल या बायोफ्यूल जैसी चीज़ें बना सकते हैं। APMC हमारा आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कॉरपोरेशन है जो सेटअप हुई है टू हैंडल इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये कॉरपोरेशन है ये ध्यान रखेगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च हुआ है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल रूल एंड रेगुलेशन। और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया हुआ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लासीफाई किया है रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट कैटेगरी के अंदर। और ये PI है हमारा जो पोल्यूशन ऑफ इंडेक्स है ये 0 से 100 तक होता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री का जो PI होता है वो 60 या 60 से अबव है उसको रेड कैटेगरी में डाला हुआ है, जिसका PI है वो 41 और 59 तक है उसको ऑरेंज कैटेगरी में, और जिसका 21 से 40 है उसको ग्रीन में, और जिसका 20 तक है उसको वाइट कैटेगरी में। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये काम कैसे करेगा, ये कंटिन्यू मॉनिटर करेगा जो भी इंडस्ट्री है जिनको हमें रेड और ऑरेंज कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। PCB रिसीव करेगा जो रियल टाइम डेटा होगा जो मॉनिटरिंग के थ्रू आएगा, जिसको मॉनिटर करेगी वो एक रेपुटेबल या हम बोल सकते हैं ट्रस्टेड कंपनी होगी, जो ये डेटा है वो PCB के साथ साथ गवर्नमेंट को भी देगा। और अगर कोई हमारा PI स्केल है वो इंक्रीज होता है तो तुरंत ही वार्निंग दे दी जाएगी, और जो हम बोल सकते हैं उसको
जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। अगर वार्निंग है वो दी जाती है, अगर विद इन द टाइम वो पेनल्टी नहीं दी जाती है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाएंगे और जो पेनल्टी के रूप में फंड आएगा, पैसा आएगा, वो सीधा ग्रीन फंड के अंदर आएगा, जिसे हम बोल सकते हैं हरिता निधि भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्कोप नहीं होगा करप्शन का। जो इंडस्ट्रीज है रेड और ऑरेंज कैटेगरी की, उसको प्रॉपर इक्विपमेंट से मेजर किया जाएगा, उसके पोल्यूशन लेवल को माइनर से भी जो पोल्यूशन होती है माइनर का भी, तो भी उन्हें वार्निंग दे दी जाएगी। और चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है वो एस्टेब्लिश करेंगे इन्वायरमेंट डैमेज कंपनसेशन EDC सिस्टम, कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो पोल्यूट करती है हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को, तो उसने कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना हमारा पोल्यूट किया है इन्वायरमेंट, वो पूरी कंपनसेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। फिर फर्दर गवर्नमेंट उस फंड का यूज़ कर सकती है रीयूज करने में, चीज़ों को साथ के साथ पेड़ पौधे लगाने में और फर्दर काम के लिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।